हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं तो ऐसा धीरे ही बोलना पसंद करूँगी, क्योंकि अभी इस रूम में कोई नहीं है। आप चेकआउट करो, कोई भी इस रूम में नहीं है। दिस इज चच्चा, कोई भी इस रूम में नहीं है। तो फिर अगर मैं ज़्यादा जोर से बोलूँ सारे लोग उठ जाएंगे, सब लोग क्योंकि सो रहे हैं ऐसे करके। तो मैं सबसे तो नहीं मना सकती, क्योंकि मेरी मम्मी का चेहरा भी रिवील नहीं हुआ, मेरे पापा का चेहरा भी रिवील, बस दादी का हुआ है। अब नीचे कमेंट में ये मत लिखिए रिवील करिए रिवील करिए। तो अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, मैं क्यों इतना पॉज हो जा रही हूँ। हम लोगों के दादी के ज़माने में तो ज़्यादा फेस वॉश तो होते नहीं थे, तो दादी एक नुस्खा लगाया करती थी, जैसे कि उनके गाल सफ़ी से और मतलब गोरी हो जाए वो। तो ये नुस्खा मुझे उन्होंने बताया, जो मैंने इसको यूज़ किया तो फिर इट्स वर्क। सो वही नुस्खा मैं आपको अब बताने वाली हूँ, प्लीज़ इसको करिएगा ट्राई, बहुत मतलब यूजफुल है। हाँ सो गाइस, मैं अभी इधर आ गई। तो सारी चीज़ें स्पॉन्सर्ड बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं सॉरी मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी, एक्सेप्ट इस हल्दी कि हल्दी से ही बनता है। तो फर्स्ट हम लोग डालेंगे हल्दी इसमें। एक मिनट गाइस, मैं इसको बस खोल लूँ, एक मिनट लगेगा मुझे, मैं सारी चीज़ें खोल के रखती ताकि मुझे बार बार चीज़ा करना पड़े, ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं चाहिए। इसको और भी अच्छा बनाने के लिए मेरे पास एक और चीज़ है। सो अब इसमें हम लोग डालेंगे एक आधा चम्मच हल्दी और फिर इतना चम्मच हल्दी, पूरा चम्मच हल्दी, 2.5 चम्मच हल्दी चाहिए हम लोगों को। और हमारा स्पून आ गया इधर, और मुझे तो पानी में दिख रहा था, पहले भी पानी ला। पीने का या भी नहीं लेती हूँ पानी का, मैंने पीने का ही ले लिया। सो अब इस पाउडर को अच्छे से हिला देंगे, मिक्स तो नहीं करेंगे बट हिला देंगे। हम लोगों का कैमरा मैन मतलब दादी अभी सीरियसली, मुझे अकेले सब कुछ करना पड़ेगा। और अब इसको खोलेंगे, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, इतना सा, थोड़ा सा और चाहिए होगा, इतना सा पानी डाल देंगे। बता रखती हूँ मैं वापस, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। चिपक जाता है इतना। उसके बाद आपको चाहिए एक फेस वॉश, मैंने बस इतना ही लिया है, मुझे ज़्यादा थोड़ा सा बनाना है तो मैं इतना ही लूँगी। भी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, को ऐसे पकड़ूंगी तो बिल्कुल ही, हाँ ऐसे ये ठीक है। तेल गिरा हुआ है एक तो इधर, एक मिनट रुकना गाइस, कुछ टिक
टिकाऊ के लिए चाहिए हम लोगों को। सो आई होप आप लोग अब देख पा रहे होंगे, अपने लोग मुझे भी कंफर्टेबल हो गया, इतनी लाइट चली जाती है। ऐसे इसको मिक्स कर, अब जरा सा और पानी डाल दे रहे हैं, सारा दे दिया। चलो कोई जरा, अगर आपको ज्यादा भी हो गया तो फिर जरा सा और हल्दी डाल लो, तब तो ये सब होता नहीं था। और मैं अपना एक और एसेंशियल ऐड करने जा रही हूँ, हिलाते रह रहे हैं। हाँ सो गाइस, इसको बहुत देरी हिलाने पर बहुत अच्छे अच्छे से हिलाना है, बिल्कुल ऐसे ऐसे। बहुत देरी हिलाने के बाद ये बन गया, और मुझे पता चला कि इतना हेल्दी नहीं चाहिए था। नानी से पूछा तो चलिए थोड़ा सा और पानी डाल दूँ तो ठीक हो जाएगा। तो और पानी डालने के बाद यह कुछ ऐसा पाउडर वाउडर बन गया। अब इसमें हम डालेंगे जरा सा पाउडर, क्योंकि पाउडर आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो निकल भी नहीं रहा। दैट्स इट, इतना ही पाउडर चाहिए हम लोग को। ऐसे नानी तो कम बनाती थी, ज़्यादा पानी डाले तो ज़्यादा अच्छा बन जाता था। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है, मैं इसको ऐसे ऐसे करके मिक्स करती हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से। उसके बाद हम, आप अपने कोई भी एक मॉइस्चराइजर क्रीम ले सकते हो, तो मेरे हाथ में भी लगी है। मैं गाली क्रीम लगाती हूँ क्योंकि मैं आप लोग को दिखा नहीं सकती हूँ। उसके बाद इसको अपने हाथ में लगा लीजिए जो बचा क्रीम होगा, ताकि आपका हाथ नहीं। इसको आप अच्छे से मिक्स करना है, जैसा ठीक है। मिक्स करो मिक्स करो अच्छे से, मिक्स करो मिक्स करो मिक्स करो अच्छे से मिक्स करो। और 1 मिनट रुकना, लाइज मुझे पी आ गई। अब इसको वापस से अच्छे से मिक्स कर दो, आधे 2 घंटे के लिए मिक्स कर दी। अगर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा बन गया, नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा गाढ़ा बन गया, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा। लेकिन अगर ये मेरी तरह बनाऊँ ऐसा, तो फिर ये बिल्कुल परफेक्ट है आपका। अच्छे से मिक्स करो मिक्स करो, हाँ मिक्स करो अच्छे से मिक्स करो मिक्स करो मिक्स करो अच्छे से मिक्स करो। और इसको उठाओ ऐसे और नीचे पटक कर दो, खाओ तो नीचे पटक कर दो, खाओ ऐसे और नीचे पटक कर दो। क्योंकि इससे क्या होगा कि ना, जो भी बटा मतलब जो भी लम्स होंगे इसके अंदर, गुठलियाँ पक जाती है थोड़ी थोड़ी, जो भी होंगे वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इसलिए। और इसका रिजल्ट मैं सही बता रही हूँ, ये मतलब इतना अच्छा मतलब वर्क करता है रियल। मैं आपको इसको लगा के भी दिखाऊंगी अपने मेरे सेकंड व्लॉग पे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। तो मैं इधर आ गई हूँ। अगर आप आज, आपको आज का व्लॉग मतलब वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। और मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन
बाय बाय।